आज आरके तलरेजा कॉलेज में वंडर्स ऑफ साइंस इस नाम का साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है। इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हमारे प्रिंसिपल गीता मेनन मैडम का बहुत ज़्यादा सहयोग है। उसी के साथ में हमारे टीम मेंबर्स जैसे कि कन्वेनर संगीता इरवान मैडम और बाकी के टीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स लिया है और उनकी वजह से ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है। बच्चों ने भी काफ़ी अच्छी तरह से अपना अपना एफर्ट डाल के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाया है। कुछ चुनिंदा नाम इस तरीके से है प्रोजेक्ट के, जिसमें एक चांद्रयान बनाया है बच्चों ने, जो सैटेलाइट को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं वो दिखाया है उन्होंने। उसमें एक सेंसर रिमोट सेंसिंग मोटर बनाया है, जिसमें जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। कुछ बायोलॉजी के भी प्रोजेक्ट अच्छे से बनाया है। कुछ हार्ट का मॉडल डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट ने बनाया है, जिसमें उन्होंने हार्ट के हर एक पार्ट का कैसे कैसे कार्य करता है ये सब चीज़ें बताई है। जूनियर कॉलेज के एक स्टूडेंट ने भी हार्ट का वर्किंग कैसे होता है ये बताया अपने प्रोजेक्ट की तरफ अपने प्रोजेक्ट में, ताकि वो जो अच्छा वाला खून है वो हार्ट में जैसे पंप होता है और उससे फिर जो बुरा वाला खून है वो कैसे बाहर आता है, ये सब चीज़ें उसमें बताई गई है। और बच्चों का काफ़ी अच्छा सहयोग है इसमें। इसी तरह का सहयोग हम आगे चल के हर एक साइंस एग्जीबिशन के प्रोजेक्ट में या प्रोग्राम में हम लोग देखना चाहते हैं। वंडर्स ऑफ साइंस, दिस इज अ साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज बाय साइंस एसोसिएशन ऑफ आरके तलरेजा कॉलेज विद द गाइडेंस फ्रॉम डॉक्टर गीता मेनन आवर प्रिंसिपल। दिस इज द प्रोग्राम विच वेयर द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू शो कास्ट देयर टैलेंट। इस बार बहुत से डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट्स पेश किए गए हैं। बच्चों ने बड़ा ही एंथुसियाज्म से और एंशियस वे से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पेश किए हैं। हर एक प्रोजेक्ट अलग दूसरे प्रोजेक्ट से अलग है, हर एक का मोटिव अलग है, हर एक का प्रेजेंटेशन अलग है। उसको देख के सबके मन में इतनी आनंद मिल रहा है और इतना बच्चों का, जैसे स्पेशली किसका नाम 45 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट का नाम दूंगी। जैसे चंद्रयान है, चंद्रयान का जैसे प्रोजेक्शन किया है ऐसा लगता है जैसे हम लाइव देख रहे हैं। और उसके बाद एक प्रोजेक्ट होलोग्राम, उसका भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। लाइव हार्ट का फंक्शन दिखाया है। इसमें दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक TYBSC जियोलॉजी के बच्चों ने दिखाया है, उन्होंने अपने कैपेसिटी से बड़ा दिखाया है। वहीं पर एक साइंस 11 साइंस के स्टूडेंट ने सेम प्रोजेक्ट दिखाया है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट वे से और बहुत ही प्यारे सिंपल वे से दिखाया है। दोनों का प्रेजेंटेशन अलग है। और उसके बाद एक आर्ट्स के स्टूडेंट, जहाँ हम बोलते हैं साइंस एग्जीबिशन सिर्फ साइंस का होता है, यहाँ पे ये लॉ ब्रेक करके एक आर्ट्स के स्टूडेंट ने, दो स्टूडेंट ने ब्रेक करके वाटर फाउंटेन बनाया है। उसका अपना ही लुक है, उसको देख के उनका जो साइंस का अंडरस्टैंडिंग है उसको देख के तो हैरत हो गई। उस तरह से हर एक प्रोजेक्ट अलग है। कंप्यूटर साइंस के बच्चों ने प्रोजेक्ट पेश किए हैं, IIT के बच्चों ने प्रोजेक्ट पेश किए हैं। सबका अपना अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। हर एक प्रोजेक्ट को देख के बहुत ही उत्साह मिलता है। इस तरह से हमारे बच्चे साइंस में आगे बढ़ेंगे और उनको दे विल एक्सप्लोर द साइंस इन फर्दर ईयर्स एंड इट विल हेल्प एवरी वन ऑफ अस। थैंक यू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।